गुड मॉर्निंग फ्रॉम बालाघाट। आज डे सेकेंड है और हम लोग निकल रहे हैं सीहोर के लिए। तो अभी हम लोग जहाँ रुके थे, ये पंचवटी गार्डन के पास में एक आदर्श होटल है, वहीं पर रात को स्टे किए थे। और यहाँ पर बड़ा सा पार्किंग एरिया है और होटल का व्यवस्था भी बढ़िया था। रात को खाना वहीं पर खाए, होटल में ही खाए। अब यहाँ से हम लोग को 365 या 363 किलोमीटर जो है वो सीहोर है। सीहोर के बाद हम लोग जाएंगे उज्जैन। तो अभी निकलते हैं। मॉर्निंग का हो रहा है 6 AM और पीछे गाड़ी खड़ी है, इसको कोल्ड स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे सीहोर के लिए। तो हो सके तो 6 घंटे में यहाँ से सीहोर पहुँच जाएंगे, या उससे पहले ही पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारी बस आगे खड़ी है यहीं पर, सब टूरिस्ट बस है। गजराज, AR, AS, आसाम। तो हम लोग पहुंच गए हैं NH 45 पे। यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट और 293 किलोमीटर है यहाँ से भोपाल। अपने को जाना है सीहोर, मतलब हम लोग भोपाल के आउटर से ही बाहर हो जाएंगे और चले जाएंगे सीहोर। तो ये इस रूट का, मतलब हम लोग के रूट का कोरबा से लेके अभी जबलपुर में आ गए हैं। अब जबलपुर से जा रहे हैं भोपाल। तो इस रूट का पहला टोल प्लाजा अभी आया है। इस टोल प्लाजा का नाम क्या है आगे जाके पता चलेगा, इसी में चलते हैं। सड़क परिवहन ट्रांसपोर्ट हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो नाम तो नहीं लिखाया है। जब ये पैसा कटेगा ना तब मैं बताऊंगा क्या है। अभी जो पीछे टोल प्लाजा था उसका नाम है शाहपुरा टोल प्लाजा। तो अभी हम लोग पहला टोल प्लाजा जो पार किए हैं बिटवीन कोरबा टू जबलपुर, टू जबलपुर टू भोपाल रोड, समझ जाओ भोपाल रोड और जबलपुर रोड। पहला जो टोल प्लाजा हम लोग आया वो शाहपुरा टोल प्लाजा है, जिसमें 85 रुपीज डिडक्ट हुआ है मेरे ये फास्टैग से। अभी हम लोग शाहपुरा का ब्रिज चढ़े हैं और कितना कोहरा है इसमें, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, पर ये पूरा जितना सामने दिख रहा है पूरा कोहरा है। इसमें लाइट कारण नहीं दिख रहा होगा और बहुत बड़ा ब्रिज है ये। पार्किंग लाइट चालू है क्योंकि बाहर में पूरा फॉग है। पार्किंग लाइट से क्या है ना, पीछे वाली गाड़ी को और सामने वाली गाड़ी को दिखती है कि बीच में कोई गाड़ी है। और पार्किंग लाइट नहीं चालू रहेगा तो फॉग में क्या है, पीछे से गाड़ी को आके ठोक देगा। इसलिए पार्किंग लाइट हमेशा फॉग में चालू कर रखना चाहिए ताकि पीछे का लाल लाइट जो है दोनों इंडिकेटर वाला वो ब्लिंक होते रहे। तो अभी 7 बज रहा है और मैं एक पुल पे रुका हूँ जबलपुर टू भोपाल जाने वाले रास्ते पे। और पीछे जितना आपको दिख रहा है ना कोहरा, वो मेरे को ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है कि बादल है जैसे, बट वो नीचे पानी के हम लोग ऊपर में है ना, नीचे नर्मदा नदी बह रही है। तो पूरा जो पानी है पूरा भाप बन के, मतलब भाप जैसे पूरा कोहरा छाया हुआ है, यहीं से पूरा कोहरा बन के जा रहा है इधर से उधर। और पीछे सूर्य देवता भी उग गए हैं, पापा भी निकल के आ गए देखने के लिए। देखो सूर्य देवता भी उग गए हैं, ट्रक जा रहा है, एक ब्रिज है एक यहाँ पे, ये मस्त देखो पूरा ऐसा लग रहा है बादल है। एक्चुअल में यह नदी जब 10 बजेगा 10-11 बजेगा ना, 10-11 बजेगा तो ये पूरा जब भाप छटेगा तो दिखेगा। देखो वहाँ पर पहाड़ भी है एक, बट कोहरा कारण दिख नहीं रहा है। अब यहाँ से निकला जाए और देखो तो ट्रक तो गायब ही हो गया, यहाँ से ट्रक दिख ही नहीं रहा है। आगे रोड है बट ऐसा लग रहा है कि रोड खत्म है, आगे पूरा बादल में हम लोग घुस जाएंगे लग रहा है। और जूम करता हूँ, निकलते हैं यहाँ से। जिस पुल पे हम लोग खड़े थे और मैं दिखा रहा था नीचे में पानी है पूरा कोहरा है, तो वहाँ से 235 किलोमीटर दूर बचा है अभी भोपाल। अब कोहरा जो है धीरे धीरे खत्म होने वाला है, मतलब खत्म ही हो गया क्योंकि पानी का जो स्रोत था नर्मदा नदी वो पीछे में है। अब पहाड़ में थोड़ा सा पूरा पहाड़ ना खुला खुला दिखेगा, तो और देखते हैं आगे क्या मिलता है। मेरे को लगा था सुबह हो गया है तो कोहरा खत्म हो जाएगा, बट कोहरा फिर स्टार्ट हो गया है। ये देख रहे हो कोहरा, अभी गाड़ी चल रहा है 40 के स्पीड में और घना कोहरा है सामने। इधर में पार्किंग लाइट चालू कर दिया और धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि सामने में हो सकता है कोई गाड़ी खड़ी हो तो एक्सीडेंट होने का ऐसा भी टाइम में डर रहता है।
सबसे ज़्यादा तो एक्सप्रेसवे में होता है सब एक्सीडेंट, बट यहाँ भी हो सकता है अगर गाड़ी खड़ा होगा तो। इसलिए गाड़ी को जब तक कोहरा नहीं हट जाता है तब तक, अभी देखो बगल से गया एक वाइट कलर का गाड़ी पर दिखा नहीं हो, अचानक से सट से गया, तो इसलिए इसको गाड़ी को भी सब धीरे चलाते हैं थोड़ा देर जब तक कोहरा हट नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा घना कोहरा है सामने। काल की बस्ती में तकदीर मुझे ले चल, महाकाल की बस्ती में वो तकदीर मुझे ले चल, महाकाल की बस्ती में। कॉपीराइट के मत आ जाना भाई। अभी एक गांव आया है बंदी, उसका नाम बंदी है। NH-45 में है हम लोग, टाइगर रिजर्व है ये, वीरांगना दुर्गामती, बगल में दुर्गामती टाइगर रिजर्व है। वैसे NH-45 बहुत अच्छा है, यहाँ तक अभी जहाँ तक हम लोग आए हैं ना, ये रोड बहुत अच्छा है। बीच में दो जगह अभी कोहरा छाया है, अभी धूप निकल गया अच्छे से। प्लीज अपना इस रोड का सेकंड टोल प्लाजा आया है, इस सेकंड टोल प्लाजा का नाम है हिरन रवि टू सिंडूर रिवर सेक्शन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखते हैं यहाँ पर कितना अमाउंट डिडक्ट होता है। ये सेकंड टोल प्लाजा है यहाँ का। ओपन हो गया, गाड़ी का नंबर शो नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं। डिडक्ट होगा अमाउंट, आएगा तो इसमें बता दूंगा मैं कितना डिडक्ट हुआ था पैसा। तो 65 किलोमीटर सीहोर यहाँ से बता रहा है, 4 घंटा अपने को लगेगा। अभी है हम लोग NH-45 पे। पापा को एक टपरी में दिख गया गरम गरम पोहा बनता हुआ, तो पापा बोले रोक दो गाड़ी यहीं पर नाश्ता कर लेते। तो अभी बज रहा है 8 और नाश्ता करने के लिए हम लोग इस बड़े से चौक पे रुके हैं। एक ब्रिज है जो इधर और इधर दो साइड कनेक्ट करता है, और अपने को जाना है पूरा सीधा, तो वो आ जाएगा अपना सीहोर। तो यहाँ नाश्ता लेने गरम गरम दिखाता हूँ मैं। ऐसे रो एक्सरसाइज कर मॉर्निंग में। अबे मेरे पास छोटा सा आया था मेरे मालू, छोटा सा आलू आया था मेरे। रोड में ही खड़े होकर नाश्ता कर पापा और मैं। बढ़िया बनाया पोहा, टेस्टी है। तो जहाँ पर मैं पोहा खाया उस जगह का नाम था राजमार चौराहा, और ये मेरा सेकंड पोहा था। इसमें डाला है बढ़िया चाट मसाला और पचपूरन से इसको तड़का दे दिए हैं, और लाल ये हरा मिर्ची है। और इसमें हाँ चलो, और इसमें चौक में दिखा रहे हैं फिजिकल डिवाइडर है। तो चलते हैं अब पोहा ख़त्म करके निकलते हैं, टाइम हो रहा है 8:06। अभी इस रूट का तीसरा टोल गेट आ गया है, अब यहाँ देखते हैं कितना रुपया कटता है टोल का, और ये कौन सा टोल गेट है पता चलेगा जब मैसेज आएगा तभी पता चलेगा। कहीं कहीं लिखा रहता है नाम, कहीं कहीं नाम नहीं लिखा रहता है। NH-45 फाइव प्लेन टोल प्लाजा। थोड़ा पीछे करके फिर लेके आया तब जाके हुआ है। भोपाल यहाँ से डिस्टेंस बचा है 145 किलोमीटर, और अभी हम लोग पहुँचे हैं खिरिया गांव। ये खिरिया गांव करके है, खिरिया गांव, खिरिया भोरा एक से एक नाम आता है रास्ते में, छोटे छोटे जो गांव होते हैं ना, मस्त मस्त नाम है जगह का। ये पचामा ग्राम पंचायत। तो ये अपना रूट का दूसरा फ्यूल अप है, एक पेट्रोल टंकी में रुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश के, और यहाँ पर फ्यूल अप कराएंगे। देखते हैं फुल टंकी कितना में होता है। हाँ फुल टंकी कर दो, ऑटो कट करके फुल टंकी कर दो, जीरो करके बेटा। बढ़िया, कौन सा पेट्रोल पंप है ये? यदुर्ग। हाँ ये यदुर्ग। हाँ जीरो कुछ नहीं। तो अभी हम लोग गाड़ी में डीजल डलवाए हैं, और टोटल डीजल जो डला है 43.67 लीटर डला है, 43.67 लीटर, जिसमें 4129 रुपये पड़ा है वो।
और अपना जो किलोमीटर रन हुआ है वो 607 हुआ है। इसका मतलब अभी गाड़ी में जो है 13.8 का एवरेज आ रहा है। टोटल जो एवरेज हुआ है अभी तक हम लोग गाड़ी कोरबा से यहाँ तक डलवा के आए हैं, तो गाड़ी जो है 13.8 का एवरेज दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से 43 लीटर डीजल जो है डलवाए हैं। अपने रूट का चौथा टोल प्लाजा आ गया है। यहाँ पैसा पटाना है कि नहीं पटाना पता नहीं, सब साइड से जा रहे हैं। ये चौथा टोल प्लाजा ही पार, क्या नाम लिखा है इसका। अब भोपाल यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और रास्ते में एक मस्त पहाड़ी व्यू आया है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो पहाड़ क्या दिख रहा है, सामने जा रहे हैं भैंस इसलिए लगाना पड़ेगा ब्रेक। अब देखो पहाड़, पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है एरिया। इधर एक चौक आया है, अगर हम लोग लेफ्ट लेते हैं सीधा जाते हैं तो आएगा अपना नागपुर 316 किलोमीटर में, और अपने को सीहोर इधर जाना है, भोपाल सीहोर, तो इधर से जाना है अपने को राइट लेके। यहाँ से NH 46 चालू हो जाएगा, अभी हम लोग NH 45 में थे अभी तक। पीछे गाड़ी तो नहीं है ना, नहीं है। तो बिशन खेड़ा ग्राम के पास में अपने रूट में एक और अपना पांचवा टोल प्लाजा आ गया है, ये भी इसी में मैं लिख के बता दूंगा कितना पैसा कटेगा, क्योंकि मैसेज तुरंत आ नहीं रहा है, कुछ टाइम लगता है मैसेज डिडक्शन होने के बाद में। ये है वो टोल 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 टोल, वेलकम टू टोल प्लाजा। अभी हम लोग पहुंचे हैं भोपाल से 20 किलोमीटर पहले मंडी द्वीप में, और यहाँ पर जो ब्लू कलर का ड्रम आता है, जो लोग यहाँ पर अपने और छत्तीसगढ़ में चावल और रखने के लिए यूज़ करते हैं, ब्लू कलर का ड्रम आता है प्लास्टिक का, यहाँ पर बस उस पर गमला बनाए थे, जो मंडी द्वीप नगर पालिका है वो अच्छा लग रहा था, मैं दिखाता बट वो क्या पीछे निकल गया, मेरे मोबाइल निकालते निकालते पूरा ड्रम पीछे छूट गया। ये है भाई भोपाल शहर। खैर हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग मेन रोड से मतलब आउटर रोड से ही बाहर से निकल के, क्योंकि अपना डेस्टिनेशन तो उज्जैन है, बट हम लोग सीहोर घूमते हुए, प्रदीप मिश्रा के शहर, पंडित प्रदीप मिश्रा के शहर घूमते हुए निकल जाएंगे उज्जैन की ओर। वेलकम टू भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब हम लोग भोपाल एंटर कर रहे हैं फाइनली, समय हो रहा है 11 बजे हम लोग भोपाल एंटर कर लिए हैं। इधर देखो तालाब है एक बड़ा सा, इधर से दिख रहा होगा सस्पेंशन ब्रिज जैसे कुछ वायर वाला। अब इधर से जो रास्ता जाएगा ये सीधा जाएगा आपका उज्जैन, इंदौर, देवास और सीहोर। यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ लिखा है उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, और यहाँ पर कुछ फोटो है शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री जी का। तो निकलते हैं अब यहाँ से, नहीं डायरेक्शन बोर्ड लगा है सीहोर जाने वाला, और लेफ्ट साइड जाना है अपने को सीहोर और राइट साइड है भोपाल। ये देखो इधर दिख रहा है सीहोर लेफ्ट में और भोपाल राइट में, चलते हैं। हाईवे रोड है NH, NH 86 में आ गए हम लोग, नाश्ता करेंगे अब। ये अपने रूट का छठवां टोल प्लाजा आया है, MPRDC एंड देवास भोपाल कॉरिडोर लिमिटेड। यदि आपके आगे कोई वाहन है तो उसे आगे जाने दें। ये लिखा है कुबेरेश्वर धाम,
मुरली मनोहर मंदिर गौशाला अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले। तो वीडियो को अभी हम लोग यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि अभी हम लोग पहुँच गए कुरेश्वर धाम। ये अपना वीडियो था आपका बेड़ा घाट से कुबेरेश्वर धाम तक। अब इसके आगे का वीडियो रहेगा नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। तो चलते हैं, अब हम लोग कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए हैं बेड़ा घाट से। यहाँ पर बना एक पोल पे त्रिशूल और यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले। तो चलते हैं अब यहीं। ये आपका कुबेरेश्वर धाम जबलपुर टू उज्जैन जाने वाले रोड में सीहोर पड़ता है, तो वहाँ पर ये मिल जाएगा आपको। तो आप कुबेरेश्वर धाम जा सकते हो, भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं कुबेरेश्वर धाम। इस रोड में अंदर जाएंगे लोग, दूर दूर से अपना बैग झूला पकड़ के आए हैं, बस में आए हैं, ऑटो में आए हैं, टूरिस्ट बस में आए हैं, तो कोई ऑटो ही भर के जा रही है, सब पूजा पाठ करके जा रहे हैं। यहाँ नारियल मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन काम है तो हाईवा भी चल रहा है। चलते हैं, रख देते हैं गाड़ी, बहुत खाली है, बंद कर दो अम्मी।